सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलती जरूर है। उम्र में कोई चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही होता है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम स्नेह और सम्मान की भावना हो। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पे उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। आज का पंचांग 26 दिसंबर 2020 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 4:18 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 10:35 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:48 से 11:08 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 5:18 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि दिन शनिवार, इस राशि वालों के लिए आज के दिन व्यापार में धन संबंधित परेशानियों को दर्शाने वाला साबित होगा। व्यापार में मार्केट में अटके हुए पेमेंट की वसूली ना हो पाने के कारण स्वभाव में वाणी के मध्य से आक्रामकता देखी जा सकती है, जिसके कारण कर्मचारी भी पार्टियों पर अधिक दबाव बनाते दिखेंगे। नौकरी पेशा वर्ग में स्वभाव में आक्रामकता ना लें, अन्यथा किसी प्रकार के विवाद में भी गिर सकते हैं। परिवार में पति पत्नी के मध्य आपसी प्रेम देखा जा सकता है। अपने आने वाले अच्छे भाग्य पर आप विश्वास करें और चिंताओं को छोड़ दें। खुशियां चिंताओं को छोड़ने और परिवर्तन को स्वीकार करने से मिलती है। अगर आप कोई नया काम या व्यापार करना चाहते हैं तो आपको आसपास के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। सोशल ग्रुप या क्लब के माध्यम से नेटवर्किंग आपके लिए लाभदायक होगी। आपका आकर्षण नए दोस्त बनाने या कुछ समय और ध्यान अपने मौजूदा रिश्ते को देने में मदद करेगा। धोखाधड़ी के शिकार होने से बचने के लिए खर्च करने और कीमती चीजों के प्रति सावधान रहें। आत्मनिरीक्षण के लिए वक्त निकालकर अपने सपनों और लक्ष्यों को जांचें। आज आपका दिमाग सतर्क तीव्र और सक्रिय है और आपके पास असामान्य और अच्छे विचारों की क्षमता है। दूसरों के साथ अपने विचार साझा करना आपकी एक प्रमुख रुचि है। दूसरे लोग भी आपकी बातों का मजा लेते हैं और आपसे अपने विचारों को साझा करेंगे। आप इस समय खुद की खुशी और लक्ष्यों के बारे में भी सोच रहे हैं। आप अलग अलग तरीके से आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर कार्य करते हैं। लोगों का प्यार, आनंद और दोस्ती भी आपकी प्राथमिकता है। इन सब के साथ ही आप खुद को भी खोजना चाहते हैं ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। ऐसा लगता है कि पारिवारिक मोर्चों पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं और कुछ अड़चनों का सामना कर रहे हैं। फूल देकर अपने प्यार का इजहार करें। कोई रोचक उपन्यास पढ़ के आज के दिन को आप अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। दिन की शुरुआत में ही आज आपको कोई बुरी खबर भी मिल सकती है जिससे आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। आज अपने मन को काबू में रखने की कोशिश करें। सावधानियां, आज आप दूसरों के सामने अपनी
छवि सुधारने में ही लगे रहेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप दूसरों को बदलने के बजाय अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और ये बदलाव केवल बाहर से ना होकर अंदरूनी होना चाहिए। अगर आपका दिल अच्छा होगा तो आपकी अच्छाई अपने आप ही बाहर आ जाएगी। आपकी अच्छाई के कारण सामने वाला खुद ही आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। दीर्घकालीन निवेश या खरीदारी अभी किसी दुर्घटना या चोरी का परिणाम भी हो सकती है। धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए सावधानी से विचार करें। अभी पेशे और सामाजिक स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह कहना मुश्किल है कि आप अपने रिश्ते में स्पाइसी क्रियाशीलता का मजा ले रहे हैं या नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज अद्भुत और रोचक है। कुछ समय अकेले बिताना भी चाहेंगे, जबकि आपका साथी आपसे प्यार की उम्मीद रखता है। बाहरी स्तर पर आप दोस्ती, प्यार या अनुभव अंतरंगता में बेहद केयरिंग व स्नेही हैं, और आंतरिक स्तर पर आप स्वयं को जीवंत महसूस करेंगे और यह साबित करेंगे कि आप सच में उतने ही वास्तविक हैं जितना सच्चा आपका प्यार है। दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और आपके विचारों को लेकर आपके लिए अच्छा सोचने के लिए तैयार हैं। अपने साथी से उस चिंता के बारे में बात करें जिसे अभी से सुनने के लिए आप तैयार हैं। बात करते हैं करियर की। बहुत से लोग अभी आपके प्रयासों को लेकर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन अभी बाहर निकलने और उन लोगों के साथ रहें जो आपका समर्थन करते हैं। आपका आकर्षण आपको किसी भी समूह या केंद्रीय बिंदु बनाता है। नए क्लब या समूह का हिस्सा बनना और नई दिशा में नेटवर्किंग करना भी अभी उचित रहेगा। ध्यान करने या सिर्फ अकेले रहने के लिए इस समय सामाजिकरण से ब्रेक लें। इन दिनों पर्याप्त नींद लें और अपने अवचेतन विचारों को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए सपनों को लिखने के बारे में विचार करें। आप इन दिनों बेहद सतर्क हैं। असामान्य या आविष्कार विचार आपके कारोबार को बढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही आपको पहचान भी मिलेगी। दूसरों के साथ अपने विचार साझा करने में आपकी बहुत रुचि है और ऐसा आपके लिए यह समय लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आप सुनने के साथ साथ बोलने के भी इच्छुक हैं। इस समय अपनी खुशी के बारे में सोचने से ना डरें और इसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। आज आप अपने आप को काम, दोस्ती और अन्य मामलों में प्रसन्न महसूस करेंगे। पूरे प्रयास करें, विजय आपका साथ अवश्य देगी। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु तनाव जैसी स्थितियों से बचना जरूरी है। सिर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, किसी भी प्रकार की लापरवाही से समस्या बढ़ सकती है। आज आपको मौसम परिवर्तन से भी सावधान रहना होगा। कमर में दर्द रहने की समस्या से आप परेशान भी रह सकते हैं, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप शनि देव जी के मंदिर में काले रंग का कपड़ा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।